तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेटिक एक्चुएटर या बटरफ्लाई वाल्व के बारे में फुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको एक एक जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए एक सेट प्रेशर एयर की जरूरत पड़ती है, जो हमें इस एयर कंप्रेसर की मदद से मिल जाएगी। लेकिन एयर कंप्रेसर से निकला जो एयर है, उस एयर को भी तो रुकने वाला कुछ चाहिए, नहीं तो ये जो एक्चुएटर है ओपन ही रहेगा, तो मतलब क्या निकलेगा। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में सोलेनोइड वाल्व के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसा कि एयर कंप्रेसर ने अपना प्रेशर बनाया, अब वो ट्यूबिंग के जरिए सोलेनोइड वाल्व में आया और सोलेनोइड वाल्व के जरिए ट्यूबिंग के थ्रू हमारे एक्चुएटर में आया, यानी बटरफ्लाई वाल्व में आया। अब आप इस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, इस एनिमेशन वीडियो के थ्रू, कि कैसे वाल्व खुल रहा है। ये भी एक तरह से दोस्तों वाल्व ही है एक्चुएटर। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें एयर डाल आती है, पास होती है, इसके अंदर झटके से प्रेशर जाता है और उस वाल्व को खोल देता है। वाल्व को खोलने के बाद, मतलब जैसे देखिए, ये जो पीला वाला दिख रहा है ना, ये सीधा हो जाएगा, यानी जैसे तितली उड़ती है बटरफ्लाई, वैसे ये भी घूम जाएगा। और घूमने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, इसमें से वाल्व खुलेगा, जो कि हमारी ये जो मेन लाइन आ रही है गैस की, वो सीधे यहाँ से होते हुए ऊपर चले जाए फिल्टर तक। इसका प्रोसेस भी दोस्तों मैं पूरा बढ़िया से बता रखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इस जो एनिमेशन वीडियो में आप देख रहे हैं, आप समझ लीजिए बढ़िया से कैसे इसमें वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको खोल कर तो नहीं दिखा सकता हूँ अभी, लेकिन आप इसके जरिए देखिए कि कैसे इस ट्यूबिंग में ऐसे जा रहा है गैस, और गैस जाने के बाद इसमें उसको झटके से खोल रहा है और ऊपर हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से वाल्व ये खुल जाता है, गैस ऊपर जा रही है। और एक बात दोस्तों, इस एक्चुएटर को लगाने का मेन पर्पस यही होता है कि हैवी लोड से अपने कंप्रेसर को बचाया जा सके। ये हमेशा वाल्व खुला ना रहे, जब जरूरत पड़े तभी ये वाल्व खुले, अन्यथा बंद रहे। जब भी हम कंप्रेसर ऑन करेंगे तभी ये वाल्व खुलेगा और गैस हमारी जो है सक्शन के लिए चली जाएगी। और इसको अब हम बात करेंगे, इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जैसे कहीं भी प्रेशर का काम रहे तो हम लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये हैवी लोड से बचाती है। इतनी जानकारी तो आप लोग को होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।